हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हो कि आधार सुपरवाइजर की बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में आई हुई है। सभी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें एक कंडीशन की मांग की गई है कि आप लोगों के पास जो है आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाकर के ये फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। इससे रिलेटेड हमने आपको एक वीडियो दे दिया है कि किस तरह से आधार सुपरवाइजर में वैकेंसी है और इसको कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हो। उसका लिंक जो है आई बटन में दे दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहाँ से। देखिए, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपको खुद ही जो है बनवाना है और उसको जो है लेना है। सारा प्रोसेस आप लोग को डिटेल से बताया जाएगा, वन बाय वन सारे प्रोसेस को देखिएगा और उसको फॉलो करके आप विद इन 10 डेज, 15 डेज, आपको जितना टाइम लगता है उसमें ये जो है आप लोग सर्टिफिकेट बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है वैकेंसी से रिलेटेड, हर तरह की वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले ये वैकेंसी तो आपने देख ही लिया है, इसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्म किया। हम कैसे आधार सुपरवाइजर का जो है ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी ऑथराइज्ड बाय UIDAI फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विस। तो अब ये आपको मिलेगा कैसे, चलिए प्रोसेस आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए अपने क्रोम में, ठीक है, या कोई भी आप ब्राउजर पे आ जाइए। यहाँ पर लिखिए आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। अगर आप बस इतना भी लिखते हो तो ये आपको स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला आपको जो है लिंक चाहिए, UIDAI.NACIITExams.com। अब ये अगर लिंक आपके पास नहीं है या फिर आपको इस तरह से नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर भी हम ये सारा लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे इजीली उस लिंक पे क्लिक करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आप लोगों को जो है यहाँ पर होम में हम आ जाते हैं, होम ले लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को यूजर आईडी एंड पासवर्ड ये मांगता है। तो अब यूजर आईडी एंड पासवर्ड अगर आपको मांग रहा है तो इसमें पहले तो आपको न्यू यूजर हो आप लोग, जाहिर सी बात है, तो क्रिएट न्यू यूजर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, एक एक स्टेप आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोलेगा अपलोड XML फाइल, चूज फाइल, और इसके बाद आपको एक कोड इसमें डालना होगा। अब ये कहां से आएगा, देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा दूं, इसमें क्या क्या चीजें मांग रहा है। इसमें मांग रहा है XML फाइल, ठीक है, दूसरा मांग रहा है कोड, कोड शेयर करने को। अभी ये कहां से आएगा, चलो अब ये भी बताते हैं। इसको अभी ऐसे ही ओपन करके रख दोगे, इसके लिए आपको आना होगा माई आधार में। आप जब जो है इस पे साइट पर जाओगे, कैसे माई आधार आएगा वो भी देख लेते हैं। अब बस यहाँ पे टाइप करोगे माई आधार, ठीक है, माई आधार लिखोगे, फर्स्ट ही रहेगा माई आधार .UIDAI.gov.in, याद रखना, या फिर डायरेक्टली आप जो है लिंक उसमें वेबसाइट का वो डाल सकते हो। यहां जब आते हो तो यहां पर आपको करना है लॉग इन, लॉग इन पर क्लिक करोगे, आगे का प्रोसेस वन बाय वन सारे प्रोसेस आ जाएंगे। यहां से आपको अपना आधार नंबर डालना है और कैप्चा डालना है, उसके बाद प्रोसेस होगा। चलो मैं अपना आधार नंबर आप लोग को डाल के और बाकी का प्रोसेस जो है बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है और जो कैप्चा रहेगा वो आपको डालना है। लॉगिन विथ ओटीपी आएगा, आपका जो है ओटीपी आपके फोन में आ जाएगा जो कि आपके आधार के साथ लिंक है। जैसे ही आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद से लॉग इन कर देना है। यही प्रोसेस है आप लोग को जो कि आपको अपनाना है, लॉग इन कर देंगे बस। जैसे ही आप लॉग इन कर देते हैं, आपको इस तरह से जो है ओपन हो रहा है। अब इसमें आपको आना है, देखो ऑफलाइन केवाईसी लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको अपना कुछ कोड, 4 डिजिट का कोड बनाना है। ये खुद से आप कुछ भी बना सकते हो, ये टोटली जो है आपके ऊपर है, और उसको फिर डाउनलोड कर देना। नीचे में आप देखोगे डाउनलोड का ऑप्शन था, वो कर दोगे। देख लो, अब मैंने जो है डाउनलोड कर दिया है, तो यहां पे क्या आ रहा है, योर जिप फाइल फॉर ऑफलाइन ईकेवाईसी हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। अब यहां से आप लोगों को गो टू डैशबोर्ड आ जाएगा। चलिए हम डैशबोर्ड पे आ ही जाते हैं, ठीक है, ये आप लोगों का है। अब आप लोगों ने जो ओपन किया था रजिस्ट्रेशन पेज, अब हम वहां आएंगे।
जो चीज ये मांग रहा था XML फाइल वो हमने वहां से डाउनलोड किया है, वो आपको यहां से अब डालना पड़ेगा। चूज फाइल करके हम करेंगे और फिर जहां पे आपका डाउनलोड होता है वहां पर आप लोग चले जाओगे। देखो मैं आ रही हूँ, ये है मैं, हमारा ऑफलाइन का ये हमने कर दिया सिलेक्ट, ओके ले लिया गया है, ठीक है ले लिया गया है। अब है, अब इसको सिलेक्ट कर दिया गया। अब यहां पर आप लोगों को डालना है अपना जो 4 डिजिट का कोड बनाया है वो, चलिए उसको भी डाल लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, डाटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली, ओके। अब जब वो आपका हो जाएगा प्रोसेस तो यहां पर आपका शेयर कोड हो गया। अब यहां पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर से मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। ये घर बैठे खुद से कर सकते हो, देखो हम लोग भी तो खुद ही से कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि कहीं आपको जाना है, ये सारा झंझट ही नहीं है, इजी लग गया। वेरीफाई ओटीपी कर दिया जाएगा, हो गया। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, देन आप लोगों को फिर यहाँ पर जो है ईमेल आईडी अपना डालना होगा। देखो ईमेल आईडी वही डालना बाबू जो यूज कर रहे हो, देखिए ये आपको जो है दिखाएगा इस तरह से आपका आधार का। फिर यहाँ पे कंफर्म, कंफर्म कर दोगे आप लोगों का, हो गया। सेव पासवर्ड आ गया, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, ये सब आपको आप डाउनलोड करके अपना ये सेव करके जो है आप लोगों को रख लेना है, ठीक है। अब इस तरह से ये प्रोसेस यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लो जो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, ठीक है, और साथ ही साथ जो पासवर्ड मिला है उसका यूज करना है, और यहां पर आप लोगों को जो है उसको लिखना है। देखो ये जरूर याद रखना, यूजर आईडी और जो आप लोगों को ये मिला हुआ है वो आपको सेव करके ही रखना है। जब आप ये यूजर आईडी एंड ये पासवर्ड जो दिया गया है, जो आपको मिला हुआ था उसको डाल लोगे, तो अब इसमें लिखोगे साइन इन। साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों का इस तरह से जो है ओपन होकर आएगा। देख लो ये पूरा डिटेल और ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई रहेंगी। यहाँ पर आपको बस चेकलिस्ट में आना है, यहाँ क्लिक कर देना है, चेकलिस्ट क्लिक हो गया, और कंटिन्यू कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आप लोगों का जो है नेक्स्ट प्रोसेस ओपन हो जाए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वैसे आप लोगों को इस तरह से ओपन होगा, जहां पे आपको बताया जाएगा कि अपना पासवर्ड चेंज करने को, क्योंकि वहां से जो पासवर्ड आया है वो आपको चेंज करना होगा। तो हम लोग पहले तो आप लोगों को जो ओल्ड पासवर्ड दिया गया है वो इसमें डालना है, और फिर उसके बाद से जो है आप लोगों को जो नया पासवर्ड है वो डालना है। इस बात का ध्यान रखना कि पासवर्ड डालते समय जो है मिस्टेक हो सकता है, जब भी मिस्टेक अगर आपसे हो जाए आप फिर से बाहर जाओ, फिर से साइट पर आओ और फिर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से जो है वहां से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार मिस्टेक हो गया तो आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, न्यू पासवर्ड जो आप बनाओगे उसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक जो है एट द रेट या हैश जो होता है ये होना और डिजिट होना जरूरी है। तो ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है पासवर्ड बनाते समय कि स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, फिर आप लोगों का जो है ये स्पेशल जो कैरेक्टर होता है वो भी होना चाहिए, और साथ साथ में जो है आप लोगों का डिजिट भी होना चाहिए। अब जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको आपको फिर से कंफर्म करना है। अब यहां पर आओगे तो सिलेक्ट सीक्रेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा इसलिए क्योंकि कभी अगर आपसे मिस्टेक हो जाए पासवर्ड भूल जाने में तो ये आप लोगों को जो है हेल्प करेगा। तो आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ, फेवरेट कलर, फेवरेट कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा टाइप करना, ठीक है ले लिया पासवर्ड। अब यहां से आप लोग जो है क्लिक कर दोगे, पासवर्ड शुड बी ऑफ मिनिमम 8 लेटर। देखो जहां भी आपका मिस्टेक आएगा वो खुद ही बता देगा, लेटर का होना चाहिए पासवर्ड। अब देखो अब मैंने उसको 8 लेटर कर दिया, अब ये आपका हो गया। यहां पर आप लोग का क्या आ गया भाई, यहाँ पे यो पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड, क्लोज क्लोज कर दिए। अब फिर से हम आएंगे नीचे ही, जो आप लोगों का ये पूरा प्रोसेस है इसमें आकर के जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, चेकलिस्ट आपको क्लिक करना है, एंड देन आप लोगों को आगे का प्रोसेस आ जाएगा। अब आगे का जो प्रोसेस आने वाला है उसमें भी आपको केयरफुल रहना होगा, सारा चीज आप घर बैठे खुद से कर सकते हैं। तो अब जैसे ही पासवर्ड चेंज करके आप न्यू पासवर्ड बना लेते हो और कंटिन्यू करते हो तो ये इस तरह से आप लोग का ओपन होगा, जहां पर आप लोगों का फोटो और ये सारी चीजें दी हुई रहेंगी। इसमें अब आपके बेसिक डिटेल डालने हैं, अगर आप देख सकते हो तो यहां पर आप लोगों को जो है मैं दिखा दूं, बताया जा रहा है इफ यू हैव प्रीवियसली एनरोल्ड प्लीज प्रोवाइड
प्रोवाइड योर डिटेल्स टू बी एलिजिबल फॉर रीसर्टिफिकेशन और टेस्ट फी ऑफ ₹235। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने पहले कभी इसमें अप्लाई किया है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, और जब आप ऐसे करेंगे तो आपका पैसा कम लगेगा, जहां 470 लग रहा वहां पर आपको 235 लगेगा। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आप पहली बार आप इस तरह का सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे। आप आ जाएंगे यहाँ पे बेसिक डिटेल में, आप आएंगे यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशनल डिटेल मांगा जाएगा, जो आपका हाईएस्ट डिटेल होगा ना वही डालना। जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो या तो ग्रेजुएशन यहाँ से क्लिक करके ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर लोगे, और नहीं तो अगर आपने पीजी किया है तो पीजी कर लोगे। जो हाईएस्ट डिटेल है आपका वही डालना। अगर पीजी भी नहीं है, आपने आईटीआई किया हुआ है एंड साथ में डिप्लोमा है, तो आप वो कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप लोग को देखना, अगर 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, आईटीआई किया है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहां से आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका लेना है। लेवल ऑफ एग्जाम में आपको सिलेक्ट करना है, तो याद रखना आपको दो तरह का आ रहा है इसमें। सुपरवाइजर वाला लेना, जो आप लोग की हर एज के बच्चों के या हर एज के इंसान के लिए कर सकते हो, तो ये आप लोगों को सुपरवाइजर का हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद से एग्जाम का लैंग्वेज क्या लेना चाहते हैं, इसमें अलग अलग लैंग्वेज है, बंगाली है आप लोगों का, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है। आप हिंदी इंग्लिश में से जो प्रिफर करेंगे वो आप यहाँ पे इंग्लिश का हिंदी का ले लेंगे। फिर है आप लोगों का सिलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड। अब यहां पर आप लोगों का जो है एनरोलमेंट एजेंसी कोड जो आप लोगों को लगाना है वो देख लो। इसमें आप लोगों को जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, हिंदी आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया गया है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर ये वाला आपको लेना है। एनरोलमेंट एजेंसी कोड आप लोग को CSE बैंक। आप यहां पर ना देखो, ये जो पूछ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। यहां पर आप लोगों को आखिर में आधार को वेरीफाई करना है, सुपरवाइज करना है कि सब सही से हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको जो है एक लेटर, एक सर्टिफिकेट जो है आपको निकलवाना होगा, जहां से आपको जो है इस तरह का, मैं आपको दिखा रही हूं, इस तरह का लेटर आप लोगों को जो है लेना होगा। अब आप ये किसी भी ऑथोरिटी से ले सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो मैनेजर असाइन किए हुए रहते हैं CSE के, उनसे आप ले लो, वो ज्यादा सही रहता है। इसीलिए मैंने वहां पे CSE डाला हुआ है। आप यहाँ पे कुछ भी उसमें देखोगे BSNL है, बाकी सारे जो है अलग अलग ऑपरेटर जो है वहां से ले सकते हो, आप जिससे कंफर्टेबल हो। लेकिन ये लेटर आपको निकलवाना होगा, क्योंकि आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी। इस लेटर में आपका नाम रहेगा, आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे फोटो, यहाँ पे सिग्नेचर, ये सारी चीजें रहेंगी, और बाकी उनका जो है सील, मोहर और ये सब रहेगा। ये निकलवाना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। तो जब आप ये कर लेते हो, तो यहाँ पे लिखोगे 2906 CSE बैंक। आप बैंक वाले से भी ले सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, कोई भी बैंक, बैंक का भी आप ले सकते हो, क्योंकि बैंक में ये सारे काम ज्यादा आते हैं, तो वहां पर आप लोग को काम भी ज्यादा मिलता है, तो बैंक का भी ले सकते हो। वहां से भी आप ये सर्टिफिकेट जो है, ये जो आप लोग का फॉर्म है, ये आप जाकर वहां से कर सकते हो। आप जाकर उनको बोलोगे, वो लोग आपको करके देंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार कोड लिखना होगा, CSE EGOB 2021। बस यहाँ पर आप लोग का UID आ जाएगा, ये आप लोग का डिटेल कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ जाओ कि कौन से स्टेट में आप जो है, कौन से स्टेट में आप एग्जाम देने वाले हो। तो यहाँ पे बिहार, झारखंड, जो आप लोग का 26 स्टेट्स में निकला हुआ वैकेंसी, उसमें से कोई भी सिलेक्ट करोगे। मान लो कि मैंने जो है झारखंड कर लिया है। फिर उसके बाद है सिलेक्ट प्रिफर्ड टेस्ट सिटी। आप लोग को सिटी सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप लोगों ने मान लो कि मैंने जो है धनबाद कर लिया। धनबाद में जो सेंटर होगा वो आपको आ जाएगा, धनबाद का सेंटर बैंक मोड़ में है, वो आप लोगों को आ गया। और वो हाँ, आप लोगों ने जैसे ही सारी चीजें सिलेक्ट की, अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पे करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे आप करोगे, उसके बाद का आप लोगों का जो ओपन होगा, ये देख लो इस तरह से आप लोगों का ओपन होगा। इसमें आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स, जो आपने अपना क्वालिफिकेशन दिया है, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो यहां मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हो। तो यहां से आप लोगों ने जैसे ग्रेजुएशन का किया गया है, तो ग्रेजुएशन करोगे 1 MB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फिर यहां से ऑथराइजेशन लेटर, जो लेटर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, ये लेटर आप जहां से भी करवाओगे, वो ये लेटर आप लोगों को अपलोड भी करना है। इसीलिए ये लेटर बहुत जरूरी है, आप कहीं से भी कर सकते हो, ज्यादा सेफ रहता है बैंक से करना।
वो आपके साथ फिर कनेक्शन में आ जाते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए ज्यादा सही हो जाता है, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो ऑथराइजेशन लेटर जो है यहां से आप चूज फाइल करोगे और उसको कर लोगे। जैसे ही आप ऑथराइजेशन लेटर को करते हो, वैसे जो है आप लोगों का आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें आप लोगों को और फाइल अपलोड और सारी चीजें करनी है। एक एक करके सारी चीजें डिटेल से समझते चलते हैं। तो जैसे ही वहां तक आप प्रोसेस कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप लोगों का ये ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों का पूरा डिटेल दिया हुआ रहेगा जो अभी तक आपने फॉर्म फिल किया है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, ये आप लोगों को इस पर क्लिक करना है तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। इसमें वेरीफाई क्या किया जा रहा है, आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर जो आपने दिया है आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे वैसे प्रोसीड आप कर दोगे, प्रोसीड एंड सेव फ्रॉम। जब आप प्रोसीड कर दोगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप आप लोग का रहेगा पेमेंट का। देखो पेमेंट वाले में स्टेप से पहले आप लोगों का ना एक और स्टेप आने वाला है, उसको आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है कि वो क्या रहेगा। देखिए पेमेंट आपको करने से पहले जो है आप लोगों को एक चीज यहां पर पूछी जाएगी कि आप जो है चेंज कुछ करना चाहते हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप जो एनरोलमेंट एजेंसी रजिस्ट्रार का आपने डाला हुआ है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं करना चाहते तो इसमें किसी में टिक नहीं करना है और डायरेक्टली आपको आ जाना है प्रोसीड टू पे में, ऑनलाइन पेमेंट, और यहाँ पे प्रोसीड टू पे रहेगा। जैसे प्रोसीड टू पे करोगे ये आपको ओपन होगा, यहाँ पर ओके कर दोगे। ओके जैसे ही करोगे वैसे आप लोगों को जो है इस तरह का ओपन हो जाएगा, जहां पर आप लोगों को जो है पेमेंट दिखाई देगा, जो 470 रुपए जो आप लोगों ने पे किया है वो रहेगा। ये आप लोगों को यहाँ पे कार्ड नंबर जैसे भी आप पे करना चाहते हो ये सारी चीजें हैं 470, और ये आपको ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ये आपको पे कर देना, पे नाउ कर दोगे। पे नाउ जैसे आप लोग करते हो वैसे आप लोगों का पेमेंट हो गया। आप लोगों का जो है टेस्ट का टाइमिंग डेट ये जो आपने सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। इसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप जो है किस दिन कहाँ से जो है स्लॉट आपने जो लिया था वो आपको मिल गया है, कंफर्म कर दोगे। कंफर्म करने के बाद आप लोग जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा और उस दिन जाकर के आपको एग्जाम देना है उसी सेंटर पर। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर होता है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को जो क्लिक करोगे तो आपको वो सेंटर दिखाई दे देगा। तो सेंटर जैसे ही क्लिक करोगे वैसे आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पर है और आपका एडमिट कार्ड में आपने वही सिलेक्ट किया है तो वही चीजें आ जाएंगी और फिर आप जाके वहां पे एग्जाम दे सकते हो, जो आपने टाइम जो आपने स्लॉट बुक किया है उसी के अकॉर्डिंग। फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप लोग जो है सुपरवाइजर वाला जो फॉर्म है आधार सुपरवाइजर का वो भर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस है, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर मानो कि किसी को नहीं आ रहा है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई इश्यू नहीं है, आप जो है साइबर चले जाइए, वहां से भी आप लोग जो है इस तरह से करवा सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।